तो जीवन में जरूरी है सत्संग और जरूरी है गुरु की दीक्षा। आज विज्ञान ने मानव को गति तो बहुत दी है, पर आप सोचिए गति बहुत हो पर दिशा का ज्ञान न हो तो गति क्या फायदा करेगी। जहाज जा रहा था आकाश में उड़ान भरता हुआ, एयर होस्टेस ने पैसेंजरों को कहा कि एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? भाई जहाज किस दिशा में जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है और जहाज कहां उतारना ये भी पता नहीं चल रहा है। पर एक अच्छी खबर है साथियों कि हम जहां भी जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं पता नहीं, किस दिशा में जहाज जा रहा है पता नहीं, जहाज कहां लैंड करना कहां उतारना पता नहीं, पर जहां भी जा रहे हैं स्पीड से जा रहे हैं। तो मरोगे पेट्रोल खत्म होगा तो, कहां जा रहे हो तो पता ही नहीं ना, जहाज कहां उतारना ये भी पता नहीं चल रहा है। गति तो बहुत है पर दिशा नहीं है। तो गुरु की दीक्षा हमें सही दिशा बताती है, इसीलिए जीवन में दीक्षा होनी चाहिए। जैसे बिल्डिंग ऊंची बनानी हो तो नींव मजबूत चाहिए, उसी प्रकार सुखी और समृद्ध जीवन की बुनियाद गुरु की दीक्षा है। भगवान शिव जी ने कहा, बोलना साथ में, शिव जी कहते हैं देवी दीक्षा विहीनस्य, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति, न सिद्धिर न च सद्गति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणां दीक्षितो भवेत्, गुरुणां दीक्षितो भवेत्। शिवजी कहते हैं जिसके जीवन में हरि नाम की दीक्षा नहीं है उसका जीवन सफल कैसे होगा, न सिद्धि न च सद्गति, इसको सिद्धि नहीं मिलेगी माने सफलता नहीं मिलेगी। तो बोले कई लोग ऐसे हैं संसार में जिन्होंने दीक्षा नहीं पाई फिर भी कितनी सफलता पाई, कितने बड़े पदों पर जाकर बैठ गए, बड़े बाहर से कितने ही बड़े पद पे जाके बैठे पर यात्रा विफलता की चालू है। क्यों? क्योंकि अंत समय आएगा तो कौन सा पद साथ जाएगा, कौन सी प्रतिष्ठा साथ जाएगी, कौन सी डिग्रियां साथ जाएगी। दुनिया के लोग किसी को ऊंचे पद पे बिठाते क्यों बिठाते, उसके पास कोई डिग्री है कोई योग्यता है इसलिए उसको ऊंचे पद पे बिठाया है ना। तो दुनिया के लोग तो योग्यता का आदर करते हैं पर भगवान और गुरु कभी किसी की योग्यता का आदर नहीं करते, हमारा खुद का आदर करते हैं। तभी तो भगवान ने गीता में कहा ममहि वांछो जीव लोके, ये भगवान ने हमारा आदर किया है। लोग तो योग्यता का आदर करेंगे, सौंदर्य का आदर करेंगे, पैसों का आदर करेंगे, ये आदमी बड़ा पैसे वाला है, पर भगवान ने योग्यता या पैसों का आदर नहीं हमारा आदर किया है। सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए, रामचरितमानस में भगवान ने हमारा आदर किया है। तो जब भगवान हमारा इतना आदर कर रहे हैं इतना प्रेम देते हैं तो हम भी उसके नाम का जप करें, गुरु से उसके नाम की दीक्षा लें। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा पहले तुम उतरो। अर्जुन कहते हैं क्यों प्रभु, रोज तो पहले आप उतरते थे फिर मैं उतरता था, आज आप पहले मुझे उतरने को क्यों कह रहे हो। भगवान ने कहा तो उतर तो सही फिर अपने आप पता चल जाएगा। तो पहले अर्जुन उतरे, बाद में भगवान ने छलांग लगाई तो भगवान के उतरते ही रथ जल के भस्म हो गया। अर्जुन ने कहा ये कैसे, भगवान ने कहा ये तो पहले दिन ही जल चुका था भीष्म के अग्नि बाण से, पर मेरे कारण ये टिका हुआ था, मेरे संकल्प ने इसको रोक रखा था, आज युद्ध पूरा हुआ इसलिए मैंने अपना संकल्प हटा दिया, ये जल के भस्म हो गया। ऐसे भगवान दयालु है कि अपने संकल्प से अर्जुन के रथ को रोक रखा था कि ये जल न जाए। ऐसे भगवान का नाम जिसको गुरु से दीक्षा में मिले उसका जीवन और जन्म सफल है। पूज्य बापू जी सारस्वती मंत्र की दीक्षा देते हैं विद्यार्थियों को, जिससे विद्यार्थियों के जीवन में तेजस्विता आती है, विद्यार्थी प्रतिभावान छात्र बनते हैं। पहले जो मात्र 40, 45 या 50 प्रतिशत अंक ले आते थे वही विद्यार्थी 95 और 98 प्रतिशत ले आते हैं। उनको ये सफलता कैसे मिली कि सरस्वती माँ के जप से। पूज्य बापू बच्चों को देते हैं वो मंत्र ताकि बच्चे विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में सफल हो जाए।
बड़ों को बापूजी गुरु मंत्र देते हैं, भगवान नाम देते हैं, शिव जी के उपासक हो तो शिव जी का नाम, राम जी के उपासक हो तो राम जी का नाम, और कृष्ण भगवान के उपासक हो तो कृष्ण का नाम, देवी के उपासक हो तो देवी का नाम, और वो जपने वाले जपते हैं तो उनको अपने जीवन में बहुत बहुत बरकत दिखाई देती है। कई ऐसे लोग जो निसंतान थे उनको गुरुदेव की दीक्षा के प्रसाद से संतान प्राप्ति हुई, ऐसे भी कई लोग थे। ऐसे भी कई लोग देखे मैंने जिनके जीवन में रोग और शोक थे तो दीक्षा के प्रताप से रोग और शोक दूर हो गए। कई ऐसे भी देखे जिनके जीवन में पहले शराब और मांसाहार के व्यसन थे पर गुरुदेव से दीक्षा पाते ही जप तप करते ही उनकी वो बुराई शराब मांसाहार की छूट गई। सत्संग से कितना फायदा हुआ। पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, सत्संगति संस्रुति कर अंता। तो ध्यान दें, जैसे कोई आदमी बीमार रहता है, तबियत खराब रहती है, तो वो अगर रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोना शुरू कर दे तो उसकी तबियत बढ़िया रहने लगती है। ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है वचन, दक्षिण दिशा में सिर करके सोए तो तबियत अच्छी रहने लगती है, पर सत्संग में गुरु के सामने मुख करके बैठे तो उसकी मानसिकता बढ़िया होने लगती है। कई बार घटिया मानसिकता के कारण कई लोग बेचारे बहुत घटिया जीवन जीते हैं, उनकी सोच बहुत घटिया होती है और अपनी घटिया मानसिकता के कारण दूसरों को भी घटिया मानने लग जाते हैं। उनकी खुद की निकृष्ट मानसिकता है, इसीलिए